एरिया में मंगलवार दोपहर को एक प्रवासी मजदूर ने एक किराए के मकान में घुसकर 3.5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किए जाने के मामले को लेकर आज कठुआ पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें, कठुआ के एसएसपी शैलेंद्र मिश्रा ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि लखनपुर थाने में मंगलवार दोपहर 2:30 बजे सूचना मिली कि मरोली के औद्योगिक इलाके में रहने वाले प्रवासी परिवार की 3.5 साल की बच्ची के साथ उस समय दुष्कर्म किया गया जब वह अपने घर में अकेली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल अवस्था में पीड़ित बच्ची को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज कठुआ पहुँचाया, जिसके बाद लखनपुर पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि कठुआ और लखनपुर थाने की पुलिस के संयुक्त अभियान के चलते मगरघट इलाके से आरोपी को देर रात काबू किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पकड़े गए आरोपी की पहचान 22 वर्षीय रतन देव निवासी जिला खगड़िया बिहार के रूप में हुई है, जो इस समय मरोली स्थित विनय कारपोरेशन फैक्ट्री में काम करता था। कल तकरीबन 2:30 बजे जिला पुलिस कठुआ को ये जानकारी मिली कि एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र 3.5-4 साल के आसपास थी, उसे एसोसिएट हॉस्पिटल कठुआ लाया गया और एलिगेशन ये था कि उसके साथ रेप हुआ है। पुलिस पार्टी वहाँ डेप्यूट की गई लेडी सब इंस्पेक्टर की सदारत में, और प्राइमा फैसा जब डॉक्टर्स ने बच्ची को एग्जामिन किया तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इसके साथ प्राइमा फैसा लगता है कि बलात्कार हुआ है। ये जानकारी मिलते ही और इसकी पुष्टि होते ही इमीडिएटली उसमें FIR लॉन्च की गई और जिसने ये किया है उस गुनहगार की तलाश शुरू की गई। शुरुआती चंद घंटों में इसकी पूरी तरह से पहचान हो नहीं पाई थी, बट लोकल्स के कोऑपरेशन से इसके माता पिता के शिनाख्त पे उसकी पहचान कर ली गई। इसका नाम है रतन देव और ये रहने वाला खगड़िया जिला बिहार का है। ही इज़ अ माइग्रेंट लेबर और तकरीबन 3 से 4 महीने से यहाँ पर इंडस्ट्रियल यूनिट में काम कर रहा था। जब इसकी तलाश पुलिस ने जारी की तो इसको कहीं से खबर पड़ी और ये ही वॉज ऑन द रन, ये भागने लगा। तकरीबन 5-7 घंटों की मशक्कत के बाद हमने इसको पिन डाउन किया मगर खड़ वाले इलाके में, बट रात ज़्यादा होने की वजह से इसको ढूंढना मुश्किल पड़ रहा था। जो भी पुलिस के पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, चाहे ड्रोन्स हों, हमारे स्निफर डॉग्स हों, नाइट विजन गॉगल्स हों, और तकरीबन 150 से 200 पुलिस के अहलकार, जितने भी गैजेटेड ऑफिसर इस कठुआ जिला पुलिस के हैं, सारे के सारे मगरखट इलाके को हमने घेर लिया। वहाँ पे जो लोकल गुजर बस्ती है उन्होंने काफ़ी मदद की, सारे लोकल्स वहाँ पर आ गए। हमने इनकी तस्वीरें जगह जगह, चाहे रेलवे स्टेशन हों, आपके लखनपुर के नाके हों, हटली मोड़ के नाके हों, बसेज हों, हमने वाइडली सर्कुलेट कर दिए एंड वी वर लॉन्च अ मैन हंट फॉर हिम। तकरीबन अराउंड 12:30 के आसपास हमें इसकी मूवमेंट दिखाई दी मगरखट के एक बोल्डर के पीछे। जब हमने अप्रोच किया तो ये वहाँ मौजूद था। वहाँ इसको काबू कर लिया गया और पुलिस स्टेशन लखनपुर लाया गया। लाने के बाद जो भी कानूनी कार्रवाई थी, इसके अंदर FIR नंबर 22/2020 अंडर सेक्शन 376/452 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड 4 पॉक्सो एक्ट इसमें लगाया गया। इसकी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाई गई और अब ये हमारे पास बंद है। इसकी अभी पेशी हम मजिस्ट्रेट के पास करेंगे। सर, इसके साथ कोई और भी सहयोगी था या अकेला था? इसने पूरी कहानी की तस्दीक की है। इसने ये गुनाह जो है ये अकेले में किया है। ये पहले से अक्यूज को जानता था, उनकी फैमिली को जानता था। वहाँ पर ये पहले भी एक दिन पहले जा चुका था। उस दिन ये कहता है कि होली की वजह से मैं विश करने घर गया। जब मैंने घर में बच्ची को अकेला देखा तो उस टाइम पे ये गुनाह मैंने किया और करने के बाद मैं वहाँ से तेज भाग गया। सर, लड़की के पिता का आरोप है कि जब वो इसको पकड़ने के लिए सत्यम सीमेंट की झुग्गियों में गए थे तो वहाँ के जो लेबरर्स थे उन्होंने इसको भगाने में मदद की थी। क्या उन पर भी कोई कार्रवाई जो है वो पुलिस के द्वारा की जाएगी? ऐसी कोई बात हमारे नॉलेज में नहीं है। ये कठुआ में जो लेबर कैंप्स होते हैं झुग्गियों के, मरोली इलाके में ये रहता था और इस ये मल्टीपल जगहों पे इसने काम किया है। ऑफ लेट ये कहाँ एम्प्लॉयड था अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। सर, पहले भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनके खिलाफ जो पकड़े गए? देखिए, अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इसकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई गई थी इसको एम्प्लॉय करने से पहले, तो हमारे पास अभी प्रेजेंट कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है।
बट हम वाकई इसका अगर कोई डेलिक्वेंट पास्ट है, क्योंकि ये मेजर है, इसकी उम्र तकरीबन 21-22 साल है, तो हम इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। सर, क्या आने वाले दिनों में इंडस्ट्री में कुछ इस तरह के ड्राइव चलाई जाएंगी कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी शिनाख्त हो, कि कल को कोई ऐसा वाकया ना हो, पुलिस को भी दिक्कत आती है पकड़ने में? दिस इज मैंडेटरी अंडर लॉ, ये तो करना बड़ा ज़रूरी है। रादर हम इसको लेकर काफ़ी संजीदा भी हैं, वक्तन फ़वक्तन ऐसे वेरिफिकेशन हमारे पास इंडस्ट्रीज भेजते रहती है, हम करते भी रहते हैं। बट आप जानते हैं कि इंडस्ट्रियल इस्टेट बहुत बड़ा है, यहाँ पे कुछ मेजर यूनिट्स हैं, कुछ मीडियम यूनिट्स हैं और बहुत सारी स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, और जो इनका रेशियो है आने का जाने का ये बहुत ज़्यादा है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसको करना 100% करना बड़ा ज़रूरी है और हम करेंगे। सर, एक सवाल करना चाहूँगा, जिस तरह से नेशनल हाईवे के किनारों पे देखा जाए तो अलग अलग जगह से बाहरी राज्यों से आए हुए झुग्गियाँ जो हैं वो बसी हुई हैं, और कुछ लोग जो है वो पूरी दिन हाईवे पे पड़े रहते हैं, तो क्या उन पे भी कोई शिकंजा कसा जाएगा? क्या उनकी भी जानकारी जो है वो पुलिस द्वारा हासिल की जाएगी ताकि ऐसी वारदात इन फ्यूचर सामने ना आए? देखिए, कुल अगर कहीं झुग्गियाँ हैं और कुछ लोग रह रहे हैं तो शिकंजा कसना एक सही अल्फाज नहीं होगा, ना ही सही वर्ड जानकारी। हाँ, इनका एक सर्च कराना, इनके बारे में पता लगाना कि कहीं ये किसी गलत गतिविधि में शामिल है या नहीं है, ये पुलिस का मैंडेट है और हम करेंगे। सर, जिस फैक्ट्री में जो काम करता था पिछले 6 फरवरी को, वहाँ से एक लड़के ने किडनैपिंग की थी लड़की की, उसका कोई पर्चा आज तक नहीं लगा है वहाँ पे, और वो लड़की वाले सुबह आते हैं शाम को चौकी के बाहर से चले जाते हैं, बाकायदा उससे लड़की की बात अपने घर में होती है, लेकिन पुलिस कुछ भी कोई ऑपरेशन नहीं। लड़की की किडनैपिंग हुई है? उसी फैक्ट्री में काम करता है ये भी लड़का जो किया है। हाँ, ठीक है, इस बारे में अभी एज ऑफ नाउ ऑफ हैंड मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, बट क्योंकि आपने ये पॉइंट रेज किया है तो मैं इसको चेक। 3.5-4 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध होगा, एक फिजिकल पेन तो उसको रहता ही है, साथ में मेंटल और इमोशनल ट्रॉमा से भी ये बच्चे गुजरते हैं। जो भी इनके लिए प्रेजेंट जो कंडीशन है बच्ची की, इस पर बेटर कमेंट करने के लिए मेडिकल फ्रेटर्निटी से आपको ये सवाल पूछना होगा, बट एज ऑफ नाउ वी आर टेकिंग ऑल गुड केयर। 1098 को बता दिया गया है, चाइल्ड केयर जो विक्टिम केयर होता है अंडर बॉक्सो हम कर रहे हैं। थैंक यू सर। रतन देव, उम्र कितनी है? ये 22 साल के आसपास इस उम्र है। कठुआ से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।